लोग बात कर लेते हैं दूसरी फैमिली की जिसका नाम है सोलनेसी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम दूसरी फैमिली पढ़ रहे हैं सोलनेसी। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले मैं फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर लेता हूं। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला, क्या है? ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। पांच इसमें कैलेक्सिस हैं जो कि फ्यूज्ड कंडीशन में हैं, और पांच ही इसमें कोरोला हैं, और पांच ही इसके अंदर एंड्रोशियम हैं, और ये एंड्रोशियम एपीपेटलस वाली कंडीशन में हैं। तो मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे, एपीपेटलस एपीफाइलस कंडीशन पढ़ाई थी उसके अंदर, तो बताया था, या पॉलीएंड्रस कंडीशन भी पढ़ाई थी, तो बताया था कि जब ये दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं तो इनको ऊपर से ऐसे मिला देते हैं। और लास्ट है इसके अंदर क्या? गाइनोशियम। और यहाँ पे गाइनोशियम हमारी बाइकार्पेलरी वाली कंडीशन में है, और बाइलोक्युलर, दो लोक्यूल उसकी ओवरी में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और वो भी फ्यूज थिन कार्पस वाली कंडीशन है। तो फ्लोरल फॉर्मूला तो ये बहुत आसान सा हो गया। अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं, इसे देख के डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है, फ्लोरल डायग्राम कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बाहर से शुरू करेंगे। पांच हमारे क्या है? कैलेक्सिस हैं। तो पांच कैलेक्सिस को आपके सामने मैं पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं, पांच कैलेक्सिस को मैं आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूं, पांच गैलेक्सीज को ड्रॉ कर दे रहे हैं। पहले शुरुआत वहीं से होगी बेटा। अब देखिए, ये हो गए पांच गैलेक्सीज। अब बात करते हैं इसके अंदर पांच हमारे कोरोला की। तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब ये पांचों के पांचों जो हैं फ्यूज्ड हैं। तो फ्यूज कैसे करेंगे बेटा? हम इन्हें जोड़ देते हैं। ये पांचों फ्यूज्ड हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़ देते हैं पांचों को, ठीक है? और उसके बाद में एंड्रोशियम पांच है और एपीपेटलस कंडीशन में है, तो पांचों एंड्रोशियम को लगा देते हैं, एक दो तीन चार और पांच। पांचों एंड्रोशियम एपिपेटलस कंडीशन में लगा दिए। अब गाइनोशियम बना लेते हैं सबसे सेंटर में। तो सबसे सेंटर में गाइनोशियम है, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी होगी बेटा, नीचे लाइन खींचनी है आपको, और बाइलोक्युलर होगी, दो लोक्यूल होंगे इसके अंदर। देखो मोनोलोक्युलर बनानी है तो ऐसे सिंगल गोल बनाइए, उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देना, जैसे हमने सबसे पहली फैबेसी फैमिली में देखा था ऐसे बनाया हुआ था। तो इसमें इसमें यूनिलोक्युलर थी ये कंडीशन बेटा। ये कंडीशन कौन सी थी हमारी? ये यूनिलोक्युलर कंडीशन थी, ये वाली यूनिलोक्युलर कंडीशन थी। और बाइलोक्युलर कैसे देखने के मिलेगी? लोक्यूल ये एक, ये दूसरा लोक्यूल। ट्राइलोक्युलर लिलिएसी फैमिली में मिलेगी, तो आप वहां पे तीन लोक्यूल बना देंगे, एक दो और तीन। तो इस तरीके से लोक्यूल्स को दिखा सकते हैं हम लोग फ्लोरल डायग्राम के अंदर। लोक्यूल क्या होते हैं? सेप्टा डेवलप हो जाती है तो जो ओवरी का अंदर वाला ओवेरियन कैविटी है या लोक्यूल है वो बट जाता है। तो उस जो बटने के बाद में हिस्से बनते हैं उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? लोक्यूल कहा जाता है। तो जिसमें सिंगल लोक्यूल है वो मोनोलोक्यूलर होगा, जिसमें दो लोक्यूल हो गए वो बाइलोक्यूलर, जिसमें तीन हो गए वो ट्राइलोक्यूलर कहलाता है। तो ये तो रही बात इसके सोलनेसी के फ्लोरल फॉर्मूला की। और इसमें याद ये रखना है ये तीनों ही कंडीशन क्या है? सुपीरियर ओवरी वाली होने वाली है। अब इसकी स्टोरी, इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद करने हैं, इसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद करना है? तो भैया हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बढ़िया सी जगह है जहाँ लोग अक्सर घूमने जाते हैं, ज़्यादातर कपल्स जाते हैं। जगह का नाम है सोलन, बड़ी सुंदर जगह है। तो उस सोलन में ही एक कपल रहता था। कपल में लड़के का नाम मैं अश्वनी रख दे रहा हूँ, अश्वनी, और जो लड़की थी उसका नाम, जो उसके साथ में उसकी वाइफ थी, उसका नाम है बेला, मतलब थोड़ा अलग सा नाम है लेकिन बेला
बनाना पड़ेगा उसे हमें, क्योंकि बेलाडोना इसका एग्जाम्पल है, तो बेलाडोना से बेला यहाँ पे एग्जाम्पल बन सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, शुरुआत कहाँ से हुई है स्टोरी की, यहाँ पे शुरुआत होती है स्टोरी की सोलन से। सोलन कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सोलन क्यों, सोलन से बन जाएगा सोलनेसी। और सोलन में कौन रहता था, तो यहाँ पे रहते थे अश्वनी। अश्वनी से कौन बन जाएंगे, अश्वगंधा, अश्वगंधा। और दूसरी थी कौन जो इनकी वाइफ थी, उनका नाम था बेला। बेला से बन जाएंगे बेलाडोना। अब दिक्कत एक थी, ये जो अश्वनी थे ये थोड़े अबीले थे, स्मोकिंग कर लेते थे हल्की फुल्की। अब तुम जानते हो स्मोक करोगे तो टबैको सिगरेट के अंदर होता है, तो ये टबैको स्मोक करते थे। तो अश्वनी क्या कर लेते थे, ये स्मोक करते थे। क्या स्मोक करते थे, टबैको स्मोक करते थे। तो ये क्या हो गया, फ्यूमिगेटरी हो गया, ये फ्यूमिगेटरी हो गया, फ्यूम्स निकल रही हैं, ठीक है, फ्यूमिगेटरी है ये। और अब देखो ऐब इनमें अकेले नहीं था, अब चूंकि इन्होंने थोड़ी लव मैरिज की थी तो बनती थोड़ी कम थी इनके बीच में। अब देखो हालांकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के कहेंगे कि राणा सर तुम कैसे कह सकते हो लव मैरिज में बनती नहीं है, मेरे विचार हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। तो अश्वनी टबैको पीते थे, मतलब सिगरेट स्मोकिंग करते थे, और जो बेला थी वो बेला के साथ में एक दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि भाई मतलब शादी वादी तो कर ली, खाना वाना बनाना सीखा नहीं कभी, उस टाइम तो बस ऐसे ही चल रहा था। अब जब शादी हुई साथ में रहे तो भैया इनको खाना भी बनाना पड़ा, तो ये खाना थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं बनाती थी, अश्वनी को पसंद नहीं आता था इनका खाना। तो ये बेला क्या करती थी, बेला ने सब्जी बनाई एक दिन, किसकी, आलू की, पोटैटो की, और साथ में उसमें ब्रिंजल मतलब आलू बैंगन की सब्जी, और खट्टापन रखने के लिए उसमें डाल दिया टमाटो। बढ़िया बन रही थी सब्जी, लेकिन पता नहीं इनको मिर्च का कंपोजिशन पता नहीं चला, तो इन्होंने थोड़ी सी उसके अंदर चिली की मात्रा बढ़ा दी। अब अश्वनी ने जब सब्जी खाई तो अश्वनी की तो वैसे ही इनकी माता फोड़ी चल रही थी, अश्वनी बोले यार मिर्ची डाल दी, तुम्हें तमीज नहीं है खाना बनाने की। बेला बोलती है कि तुम पूरे दिन फूंकते रहते हो तो तुम्हें तमीज नहीं है। बस दोनों में होगी लड़ाई, और लड़ाई हुई तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, पीट दिया। तो पीट देने से क्या बन जाएगा, पेटूनिया। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। तो शुरुआत करते हैं सोलन, सोलनेसी, अश्वनी, अश्वगंधा, बेला, बेलाडोना, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो इज द सीधा। और इन्होंने अनियन के लिए सॉरी वो आपका लिलियसी के अंदर आएगा, उसका एक साइंटिफिक नेम दे रखा है एलम सेपा, बताऊंगा मैं जब लिलियसी पढ़ाऊंगा। तीनों और चार, ये चारों के चारों सोलनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। टोबैको सोलनेसी में आएगा, अश्वनी उसमें आएगा, और मतलब अश्वगंधा, अश्वनी कह रहा हूँ मैं, और बेलाडोना इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलती है बेटा।